Hello students, today I am going to cover the third topic, third part, of history class 6. So the name of this chapter is in the earlier series. So इसी चैप्टर का तीसरा पार्ट है अभी पढ़ना, ठीक है? तो बेसिकली सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे कि हमने पार्ट टू में पढ़ा क्या था, ठीक है? So I am your new assistant faculty and my name is Priyesh. So let us start this video, okay? So firstly we are going to do the revision. What we have studied till now in this chapter, okay? So firstly the thing that I told you in second part was, दूसरे पार्ट में मैंने सबसे पहला टॉपिक जो बताया था वो था कैरेक्टरिस्टिक्स और टाइप्स ऑफ बिल्डिंग इन हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है? हड़प्पन सिविलाइजेशन में कितने टाइप की बिल्डिंग हुआ करती थी और उनके क्या क्या फीचर्स थे, यही मैंने बताया, ठीक है? इसके बाद हमने बात करी थी कि कौन कौन से चीजों का यूज करके बिल्डिंग्स का फॉर्मेशन किया गया, ठीक है? कौन सा मटेरियल लगाया गया, कौन से मटेरियल्स को कौन सा क्वालिटी यूज किया गया, दैट वॉज डिस्कस्ड इन यस्टरडेज वीडियो सेकेंड पार्ट, ओके? सो व्हाट वॉज द क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स दैट वॉज यूज टू मेक बिल्डिंग्स ड्यूरिंग हड़प्पा सिविलाइजेशन, this was discussed in the second part of this video, ठीक है? इसके पहले मैंने बताया था कि कौन-कौन सी चीजें यूज की थी, ब्रिक्स, प्लास्टर, ठीक है, अल्तार्स, so these were the things that were used to make buildings, ठीक है? कितने टाइप की buildings थी? हड़प्पा सिविलाइजेशन में सबसे पहले building थी सीटा डेल बिल्डिंग, ठीक है? दूसरे टाइप का फॉर्मेशन क्या था, वो था लोअर टाउन्स, ठीक है? सीटा डेल बिल्डिंग की खासियत क्या थी कि वो एक निश्चित हाइट पर बनाया गया, ठीक है? निश्चित हाइट का मतलब ये है कि उस बिल्डिंगों की जो नींव थी या फिर उनकी फॉर्मेशन जो थी वो जमीन से थोड़ी सी ऊंचाई पर, ठीक है? हाइट अ सर्टेन हाइट, लोअर टाउन्स क्या था, दीज वर द लोअर एरियाज which was situated at a depth, ठीक है? ये निश्चित गहराई में बनाए गए, ठीक? सिटाडेल और लोअर टाउन, लोअर टाउन क्या था, सिटाडेल बिल्डिंग्स के मार्केट्स में आता, ठीक है? ये हमने डिस्कशन कर लिया था आज। उसके बाद मैंने पढ़ाया था एक्सटेंशन, ठीक है? उसके बाद बताया था extension of Harappan civilization. Harappan civilization का extension कहाँ से हुआ था, किस direction में हुआ था, ये discuss किया था, ठीक है? So in the earlier part we had discussed that in which direction, किस दिशा में, कितने किलोमीटर्स में, कितने एरिया में हड़प्पन सिविलाइजेशन ने कवर किया होगा, ठीक है? ये भी डिस्कशन हो चुकी है, ठीक है? स्टार्टिंग कहां से हुई हड़प्पन सिविलाइजेशन की, टुवर्ड्स सिंध से स्टार्टिंग हुई, सिंध हड़प्पा, ठीक है, लोथल, सो स्टार्टिंग फ्रॉम पंजाब सेक्टर एंड सम पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान it raised towards Delhi and it covered a very vast area, ठीक है? मतलब कि ये शुरुआत हुई इसकी पंजाब से, ठीक है? पंजाब के कुछ एरिया से इसकी स्टार्टिंग हुई, उसके बाद दिल्ली की तरफ बहुत बड़े एरिया को कवर करते हुए ये बढ़ा, ठीक है? सो मैंने डायरेक्शन वाइज बताया था कि किस एरिया में कितने किलोमीटर की डिस्टेंस तक फैला हुआ था
और एक और बेसिक चीज मैंने ये बताई थी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की एक्सकेवेशन भी कर सकते, ठीक है, जब साइट की एक्सकेवेशन हो रही थी या खुदाई हो रही थी, ठीक है, उस टाइम पे उसके आसपास मिलने वाली जितनी भी बिल्डिंग्स थी, ठीक है, जिनकी फॉर्मेशन हड़प्पन सिविलाइजेशन के फॉर्मेशन से मैच करती थी, उनको भी हड़प्पन सिविलाइजेशन के बिल्डिंग्स को ही कंसिडर कर दिया कि ये भी हड़प्पन सिविलाइजेशन की ही बिल्डिंग्स हैं, ठीक। तो आज मैं क्या बात है, ये तो क्या रिवीजन के में इसके पहले क्या था पढ़ लिया, ठीक। आज मैं ये पढ़ना है कि जो बिल्डिंग्स थी, ठीक है, बिल्डिंग्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन टाइम, हड़प्पन सिविलाइजेशन सिटीज, सो वी हैव टू स्टडी टुडे दैट व्हाट वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दोस बिल्डिंग्स, हाउ वर दे अरेंज्ड, और कैसे कैसे उन बिल्डिंग्स के अंदर कमरे, खिड़कियां, दरवाजे या फिर जो भी जरूरत की चीजें हैं वो बनाया गया था, ये हमने आज इस लेक्चर में पढ़ना, ठीक है। सो फर्स्टली मैं गोइंग टू कवर द टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। दूसरा टॉपिक जो पढ़ना है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये दो टॉपिक बेसिकली आज हमें कवर करना है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के समय की बिल्डिंग्स की उनका क्या खासियत था, उनके क्या फीचर थे, और उस समय के जो लोग थे उनके क्या फीचर थे और उनकी क्या खासियत थी, ये हमें डिस्कस करना है, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट, ठीक है। सो अगर हम बात करते हैं सिटाडल बिल्डिंग्स, ठीक है, सिटाडल बिल्डिंग्स क्या थे, एक निश्चित हाइट पर थे, ठीक है, उसके बाद वो बहुत वन स्टोरी टू स्टोरी बिल्डिंग तक गए, ठीक है। सो फर्स्ट फीचर ऑफ द बिल्डिंग्स दैट मेड ड्यूरिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज कि द बिल्डिंग्स वर वन स्टोरी एंड डबल स्टोरी, ठीक है। पहला जो फीचर था वो ये है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की बिल्डिंग थी वो एक मंजिल भी थी और दो मंजिल भी थी, ठीक है। सो अगर हम बात करते हैं कि वन स्टोरी और डबल स्टोरी की, तो क्या उस टाइम पे ऐसी टेक्निक्स थी कि एक स्टोरी के ऊपर दूसरी स्टोरी को बनाया जा सके, ठीक है, कैसे बनाते थे, कौन सी चीजों का यूज करते थे, ये और इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सो फर्स्टली thing that the material that was used in making these buildings was brick, well baked brick ka kya matlab, well baked brick ka kya matlab, iska matlab ye hai ki as we all know ki brick is made up of sand, theek hai, sand se bana hota hai, uske baad usko aap pe garam karke sekte hain, sekne se kya hota hai, it becomes hard and that is after that it is used to make हाउसेस, ठीक है। तो उस टाइम में क्या होता था, आज क्वालिटी जो आती है ब्रिक्स की वो कई बार क्या होता है कि अच्छे से बेक नहीं हुआ होता, अच्छे से पका हुआ पकी हुई ईंटें नहीं होती हैं, तो बहुत इजीली टूट जाती है, ठीक है, उनकी जो एडहेसिव यानी कि जो मिट्टी की जोड़ने की जो क्षमता होती है वो बहुत इजीली टूट जाती है, ठीक है। फिर टूटने से क्या होता है कि जब ये बीच में से ईंटें टूट जाती है तो दीवार जो हम बनाते हैं, वॉल की जो फंक्शन करते हैं, उनमें कई जगह दरारें पड़ जाती है, ईंट के बीच में दरारें पड़ जाती है, ठीक। सो हड़प्पन सिविलाइजेशन में वेल बेक्ड ब्रिक का यूज किया गया, दैट इज व्हाई द बिल्डिंग्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वर लास्टिंग अप टू थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, मतलब इतने सालों से इतने अच्छे ब्रिक्स थे, इतने अच्छे तरीके से पकी हुई ईंटें थी कि ये हजारों साल तक उनसे बनी हुई बिल्डिंगें टिक गई, ठीक है। सो सबसे पहले वेल बेक्ड ब्रिक का यूज हुआ ताकि बहुत ज्यादा दिन तक इनकी बिल्डिंग चले, ठीक है, ये बना दिया। दूसरी चीज ये है
दे यूज सीमेंट, ठीक है, सीमेंट का यूज करते थे, प्लास्टर का यूज करते थे, ठीक है, इसके बाद अल्ताज का यूज करते, ठीक। सीमेंट क्या होता है? सीमेंट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सैंड दैट इज एडहेसिव प्रॉपर्टीज या गमिंग प्रॉपर्टी। मतलब ये सीमेंट एक ऐसा सैंड होता है इसको गीला करने पे या फिर उसमें सैंड को मिक्स करके फिर जोड़ने पे इसके अंदर जोड़ने की क्वालिटी आ जाती है। वो क्या करता है कि दो ईंटों को या दो ब्रिक्स अगर हैं तो उनको आपस में जोड़ सकता है, ठीक है। सो सीमेंट वाज आल्सो यूज्ड इन देयर बिल्डिंग्स टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए सीमेंट का भी यूज हुआ, ठीक है। सीमेंट के बाद प्लास्टर, प्लास्टर वाज यूज्ड टू कवर द वॉल्स टू मेक देम लुक अट्रैक्टिव, ठीक है। प्लास्टर का यूज हुआ उसके बाद अल्तार। व्हाट इज द वर्ड, द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड अल्तार, अल्तार इज अ कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड, कंपाउंड दैट हैज वाटर, दैट हैज क्वालिटी ऑफ अवॉइडिंग वाटर पास, पास वाटर पास। इसका मतलब ये होता है कि अल्तार इज अ टाइप ऑफ कंपाउंड दैट इज कंपोज्ड ऑफ कार्बन and it has a quality or it has a feature that doesn't let go water pass to another layer of layer, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर इसको हम दीवारों पे लगा देते हैं, suppose this is a wall and it has been painted on this wall we have applied अल्तार, so on this wall there will be no leakage of water to the other side. अगर इस दीवार पे हम अल्तार की पेंटिंग कर दिए हैं तो इस दीवार से पानी का लीकेज दूसरे तरफ नहीं होगा। सो अल्तार, अल्तार मस्ट यूज ऑन द रूफ ऑफ फर्स्ट फ्लोर, जैसे कि भी बात की कि दो लेयर से बिल्डिंग बनाते हैं, ठीक है। दो लेयर से बिल्डिंग का मतलब ये होता है कि वन स्टोरी भी होती थी और डबल स्टोरी भी होती थी। डबल स्टोरी वाले में सही वाटर का लीकेज ना हो, इस वाटर की लीकेज को अवॉइड करनी है, ठीक है। मान लेते हैं ये इन्होंने फर्स्ट स्टोरी बनाई, ठीक है, इसके ऊपर रूफ, रूफ के ऊपर एक और स्टोरी, ठीक है। सो इसका फॉर्मेशन ही करते कैसे होंगे, डायरेक्टली वॉल पे फिर वॉल चला गया ये रात थोड़ी देखते हैं। दे स्टार्टेड डिगिंग अर्थ, अर्थ में डिग करके दे स्टार्टेड यूजिंग द टेक्निक ऑफ पाइलिंग। पाइलिंग का मतलब ये होता है कि वो अर्थ में या जमीन में कुछ निश्चित गहराई तक एक गड्ढा खोद करके उसमें उसमें दीवारों की एक छोटी सी श्रृंखला बना करके फिर उसके ऊपर दीवार चला देते ताकि अगर अर्थक्वेक या कोई भी नेचुरल डिजास्टर आए तो इनका घर ना टूटे, ये बिल्डिंग ना टूटे, ठीक है। सो इससे क्या होता था, इसमें ये कई बार मेटल्स के रॉड्स निकाल देते, ठीक है, ताकि this will provide a very good strength to this building, ठीक है। strength to this building का मतलब ये है कि इस building की जो क्षमता है वो काफी हद तक बढ़ जाती है, ठीक। इसके बाद क्या होगा, जैसे ये नीचे पड़ गया, इसके बाद जैसे first roof पड़ी, ground floor बना, ground floor के बाद ये first floor बनता है, ठीक है। first floor पे ये क्या करते थे, यहाँ पे अल्तार apply करते थे, अल्तार apply इसलिए करते थे ताकि जो इसके ऊपर हमने फ्लोर बनाना है इसका वाटर लीकेज इस फ्लोर पे ना, ठीक है। सो अगर हम लिखते हैं अल्तार की यूसेज या अल्तार क्यों यूज हुआ था, ठीक है, सो वी कैन राइट दैट अल्तार्स वर अप्लाइड to avoid water leakage, water leakage को रोकने के लिए या avoid करने के लिए अल्तार का यूज हम करते थे,
हम नहीं करते थे, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे वो लोग इसका यूज करते थे, ताकि यहाँ पे भी जो पानी का काम होता है तो इस पानी का कोई भी असर इस दूसरे वाले फ्लोर पे नहीं हो। ठीक है, ये जो बना है यहीं से बने, यही पानी का जो सिस्टम है वो यही रह जाएगा, यहीं से बना के जाएगा एक पाइप पे, यहाँ नहीं हो। ठीक, इसके बाद अर्दास की बात हमने कर ली, अर्दास के बाद फिर आते हैं सिक्योरिटीज। ठीक है, उनके और क्या क्या चीजें थी, ठीक है, उनकी और क्या क्या फीचर थे इनके बारे में। तो ब्रिक्स, सो तो दूसरी प्रॉपर्टी थी द बिल्डिंग्स फॉलोड स्पेसिफिक पैटर्न। स्पेसिफिक पैटर्न का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक पैटर्न का मतलब ये होता है कि जितनी भी सीक्रेट बिल्डिंग्स थी या फिर जो भी बिल्डिंग हाउसेस बनाए जाते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन की कॉलोनी में, ठीक है, दे ऑल वर मेड बाय यूजिंग अ सिमिलर पैटर्न। पैटर्न का मतलब एक ही तरीके की ईंटों की सजावट या फिर वॉटर लॉकिंग हर बिल्डिंग में एक जैसी होती है, ताकि आगे चलने में अगर कोई दिक्कत उस बिल्डिंग में आती है तो बहुत ही इजीली उसको क्योर किया जा सके या प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है, सो द मीनिंग ऑफ प्रिवेंशन एंड फॉलोइंग अ स्पेसिफिक पैटर्न इज सच जस्ट अ वेरी सिंपल मीनिंग दैट ऑल द बिल्डिंग्स वर मेड इक्वली और दे फॉलोड अ सिमिलर पैटर्न। ठीक है, अगर एक लाइन में अगर डबल स्टोरी बिल्डिंग्स बन रही है तो लाइन से डबल स्टोरी ही बनेगी। ठीक है, it was not allowed to make a single story building in a bunch of or in a line of double story building, matlab ki agar us time pe log jo ghar banate the ya banate the wo kabhi bhi double story buildings ki line mein ya fir inki jo group hai isme kabhi bhi single story building nahi banti thi। theek hai, iska matlab basic kya hua, iska basic matlab ye hua ki सारे बिल्डिंग्स की बनावट बिल्कुल एक जैसी हुआ करती थी। ठीक है, बिल्डिंग्स की बनावट एक जैसी हुआ करती थी का मतलब सारे बिल्डिंग्स वर सेम सिमिलर बोथ बिल्डिंग्स। ओके, सो मूविंग ऑन, ठीक है, मूविंग ऑन टू द सेकंड थिंग दैट हैड अ वेरी स्पेसिफिक पैटर्न वाज ब्रिक्स अरेंजमेंट। ठीक है, सो द थर्ड पॉइंट इज दैट bricks were also laid or arranged in a specific pattern। मतलब कि जो bricks की arrangement थी, जब हम wall बनाते थे, जब ये लोग wall बनाते थे तो उसमें जो ब्रिक्स की अरेंजमेंट होती थी वो भी एक डेफिनेट पैटर्न को फॉलो करती थी। डेफिनेट पैटर्न का मतलब कि एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू ब्रिक का अरेंजमेंट किया जाता था। ठीक है, ब्रिक का अरेंजमेंट का मतलब क्या हुआ, अगर एक वॉल बन गई, ठीक है, अगर ये वॉल बनाई गई, ठीक, वॉल बनाई गई तो उसमें ब्रिक्स की अरेंजमेंट, ठीक है, वो भी एक पैटर्न के थ्रू होगी। पैटर्न जो होने का मतलब ये है कि ये इंटरलॉकिंग पैटर्न है, ब्रिक्स वर अरेंज्ड इन इंटरलॉकिंग पैटर्न। ठीक है, इंटरलॉकिंग पैटर्न का मतलब ये है कि ऐसी तरीके से इन ईंटों की सजावट होती है ताकि आगे चलने में कभी एक दूसरे से टूटे ना। ठीक है, टूट भी जाती हैं तो ये अपनी जगह से नहीं निकलेंगी, दे वर टाइटली पैक विद द हेल्प ऑफ प्लास्टर और कंक्रीट
so that they are unable to move even if they are breaking from between. मतलब ये है कि इनकी जो ईंटों की सजावट होती थी वो एक इंटरलॉकिंग पैटर्न में होती थी, मतलब कि अगर एक ईंट एक लेयर ईंट की ऐसे बैठी हुई है ऐसे ऐसे, तो जो अगली लेयर होगी वो ऐसे बैठेगी ऐसे ऐसे, ठीक है, फिर उसके बाद अगली वाली ऐसे ऐसे ऐसे, फिर उसके बाद एक ऐसे, तो फिर ऐसे ये दिस वॉज द पैटर्न दैट was used to arrange bricks while making buildings or walls. ठीक है? Building or walls जब बनती थी हाथों से बेचो के टाइम पे, तो they followed interlocking pattern. Interlocking pattern का मतलब कि एक ईंट से दूसरी ईंट को लॉक कर देते थे ताकि ना एक ईंट मिलेगी ना दूसरी ईंट मिलेगी. ठीक है? तो इससे क्या होगा? बिल्डिंग की मजबूती बहुत ज्यादा हो जाएगी. वॉल्स की जो थिकनेस थी और विड्थ थी वो थोड़ी ज्यादा हुआ करती थी, ठीक है, बट द वॉल्स दैट मेड दैट वर मेड बाय यूजिंग दिस इंटरलॉकिंग पैटर्न वाज वेरी हाई लेवल. मतलब कि जो इन दीवारों की जो थिकनेस या चौड़ाई हो जाती थी वो बहुत ज्यादा होती थी, ठीक है, बट दीज वॉल्स वर वेरी ड्यूरेबल. मतलब कि उनकी जो लाइफ थी, इन वॉल्स की जो लाइफ थी वो बहुत अच्छी खासी लाइफ थी, बहुत ज्यादा लाइफ था, क्योंकि दैट इज व्हाई हड़प्पन सिविलाइजेशन की बिल्डिंग्स इतने हजारों साल तक थे, जस्ट बिकॉज ऑफ यूजिंग दिस टेक्निक एंड यूजिंग गुड क्वालिटी ऑफ मटेरियल. ठीक है, सो ये हो गया ब्रिक्स की अरेंजमेंट ड्यूरिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन बिल्डिंग में. ठीक, ये हो गया बिल्डिंग की एक खासियत. ठीक है, आफ्टर दैट दिस वाज लाइंड विद ब्रिक्स कोटेड विद ग्लास. ठीक है, सो अगर हम बात कर रहे हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन से ओल्डेस्ट सिटी की, ठीक है, तो किसका नाम पहले आता है? मोहनजोदड़ो. मोहनजोदड़ो में ऐसे ऐसे स्पेशल स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे. ठीक है, स्पेशल स्ट्रक्चर्स इन द सेंस ऐसी ऐसी चीजें बनाई गई थी ताकि जिसका यूज करते थे लोग स्पेशल ओकेजन से. ठीक है, एक उन्हीं का एग्जांपल मैं देता हूं, उसका नाम है ग्रेट बाथ. व्हाट इज अ ग्रेट बाथ? ग्रेट बाथ वाज अ वेल लाइक स्ट्रक्चर और इट वाज अ स्मॉल लेक और पॉन्ड दैट वाज बिल्ट फॉर टेकिंग बाथ ड्यूरिंग स्पेशल ओकेजन. मतलब कि ग्रेट बाथ एक ऐसा स्ट्रक्चर था, कुएं जैसा स्ट्रक्चर था जिसमें कि लोग नहाते थे स्पेशल ओकेजंस पे, यानी कि अगर कोई फेस्टिवल पड़ा है, कोई त्योहार पड़ा है, कोई स्पेशल पूजा हो रही है, सो फॉर फॉलोइंग दैट रिचुअल्स एंड फॉर फॉलोइंग दैट रूल्स दे यूज्ड टू टेक बाथ इन दिस ग्रेट बाथ. सो वी कैन से दैट इट वाज अ वेल लाइक स्ट्रक्चर that had water content and was used to take bath by the people during special occasions. मतलब कि it was a well-like structure, वो एक कुएं जैसा एक structure था, जिसमें कि पानी की मात्रा बहुत अच्छी थी and it was used उसका इस्तेमाल नहाने के लिए किया जाता था हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों द्वारा during special occasions or rituals. मतलब कि special ceremony कोई है, special occasion है, कोई त्योहार है, उस दौरान हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग great bath का use करके उसमें नहाते थे. ठीक है,
A very special tank which archaeologists call the Great Bath was built in this area. This was lined with bricks coated with plaster and made watertight with layer of natural tar. There were steps leading down to it from two sides, while there were rooms on all sides. Okay? Now, this Great Bath ki formation kaise hoti thi, iski baat. Okay? So, Great Bath ho. Okay? Great Bath ho, kaise baat. Let me tell you. ये वेरी लार्ज एरिया बनेगा, ठीक है? बीच में बहुत गहराई छोड़ने के बाद, ठीक है? बहुत गहराई में यहाँ पे वाटर लगा होगा, ठीक है? वाटर के बाद ये हर तरफ से स्टेयर्स बनाए जाते हैं, ठीक है? हर तरफ से स्टेयर्स, ठीक है? ये स्टेयर्स होते हैं, ठीक है? स्टेयर्स बने हुए थे, ठीक है? और उसके बाद स्टेयर्स के नीचे रूम्स बने हुए थे, ठीक है? उन स्टेयर्स के नीचे रूम्स बने होते थे और लोग उसमें जा करके नहाते थे, ड्यूरिंग स्पेशल ओकेजंस, ठीक है? सो अंडर दिस देयर वर रूम्स. देखो सबसे पहले होता क्या था ना, ये सारे जो स्टेयर्स हैं वो बहुत ऊंचे ऊंचे बने हैं, ठीक है? और ये जो बीच का एरिया है ये बहुत गहरा होता था, ठीक? बहुत गहरा होता था, चारों तरफ से सीढ़ियां बनी होती थी और इन सीढ़ियों के नीचे कमरे हुआ थे, ठीक है? कमरे से ये लोग अंदर ताकि लोग यहाँ आ जा सके, ठीक? This block I have made are the symbol of rooms under these stairs. इन stairs के नीचे rooms बने, ठीक है? और ये जो stairs बनाए जाते थे, ठीक है? और ये किनारे की जो wall हुआ करती थी, these This was made by alignment of bricks. ठीक है, bricks and cement. ठीक है, ये जो होता था सबसे last वाली जो wall होती थी, ये water tight बनी रहती थी. और bricks और cement के मिक्सचर से ब्रिक्स को लगा करके उसके बाद सीमेंट के मिक्सचर से इसको पूरा पैक कर दिया है, ठीक है? पैक करने के बाद इट वाज कोटेड आफ्टर पैकिंग दिस वॉल्स दीज ऑल बाउंड्री वॉल्स ऑफ ग्रेट बाथ इट वाज आल्सो लेयर्ड बाय नेचुरल टार. नेचुरल टार, ठीक है? नेचुरल टार का यूज करते थे वाटर टाइटनिंग के लिए या वाटर लीकेज को रोकने के लिए, ताकि यहाँ जो वाटर है, जो इस एरिया का वाटर है, उससे स्टेयर्स को कोई दिक्कत ना हो और वाटर फ्लो आउट ना हो, ठीक? सो दैट इज व्हाई दिस बाउंड्री वॉल ऑफ ग्रेट बाथ वाज मेड बाय अलाइनमेंट ऑफ ब्रिक्स एंड द ब्रिक्स वर टाइटेंड बाय सीमेंट. आफ्टर दैट दिस वॉल्स वर वाटर टाइटेंड बाय यूजिंग नेचुरल टार, ठीक है? नेचुरल टार का यूज करके इन दीवारों को वाटर टाइट कर दिया जाता है. वाटर टाइट करने से क्या होता था, ग्रेट बाथ का पानी या इस कुएं का पानी बाहर नहीं जा पाता, ठीक है? बाहर न जाने से क्या होता था कि वाटर जो वाटर की जो कंटेंट है या वाटर की अवेलेबिलिटी है वो यहाँ पे हमेशा रहती है, ठीक है? तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि ग्रेट बाथ में वाटर आता कहाँ से, वेयर डज द वाटर कम इन दिस ग्रेट बाथ फ्रॉम वेयर. सो वाटर यहाँ आता था बिकॉज इट वॉज अ टाइप ऑफ वेल. वेल का मतलब क्या है कि एक तरह का कुआं होता था, ठीक है? और ये जो वाटर यहाँ पे होता था ये बहुत डेप्थ तक गड्ढा हुआ था, ठीक है? गड्ढे का मतलब इट वॉज डिग टू अ वेरी लो डेप्थ एंड दैट इज वाई द वाटर लेवल इन दिस वेल और इन दिस ग्रेट बाथ रिमेन कॉन्स्टेंट. हमेशा वाटर लेवल इसमें बराबर बना रहता था क्योंकि एक निश्चित गहराई तक इसकी खुदाई की गई थी और यूजिंग सम टेक्निक्स ऑफ दैट टाइम द वाटर लेवल ऑफ दिस ग्रेट बाथ वाज
ऑलवेज कॉन्स्टेंट, कभी भी वाटर लेवल इसका कम होता नहीं था, और होता भी था तो जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती थी तब इसका वाटर लेवल नीचे जाता था, ठीक, जैसा कि आज के हैंडपंप्स में होता है, ठीक। This was about Great Bath. Great Bath was a well-like structure that was used by the people of Harappan civilization to take bath on special occasions. ठीक है? एक special occasion या फिर किसी त्यौहार में नहाने के लिए या फिर उसमें डुबकी लगाने के लिए Great Bath का use करते थे Harappan civilization के लोग। ठीक है? अब पढ़ते हैं कि बिल्डिंग की फॉर्मेशन कैसी थी, बिल्डिंग में किस किस चीज की अवेलेबिलिटी थी, क्या क्या चीजें उस बिल्डिंग में बनाई गई थी, व्हाट वर द रिसोर्सेज दैट वर नीडेड इन द बिल्डिंग। सो लेट अस स्टार्ट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग फॉर्मेशन, बिल्डिंग जो बनाई गई थी उस बनावट की क्या खूबियां थी, खास कर था ये पता है, ठीक है। सो इट इज सेड दैट अकॉर्डिंग टू एविडेंसेस द बिल्डिंग्स हैड अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ स्पेस, इट वाज कंटेंट विद डोर विंडो एंड स्टेयर्स फ्रॉम ऑल फोर साइड्स, ठीक है। इसका मतलब ये है इफ दिस वाज अ बिल्डिंग, ठीक है, सो हर बिल्डिंग के चारों तरफ खिड़की दरवाजे और सीढ़ियां हुआ करती थी, ठीक है, सीढ़ियां। सो लेट अस इमेजिन उस जमाने में लोग सीढ़ियों का फॉर्मेशन करते कैसे थे, हाउ दे वर सो मच प्रेड दैट दे वर डूइंग फॉर्मेशन ऑफ स्टेयर्स, ठीक है, और दरवाजे खिड़कियां उन्होंने कैसे फॉर्म किए, कैसे बनाए, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन and it is a very important topic that should be searched. So the answer of my question is they were using very high advanced techniques to make that stairs, ठीक है, उन सीढ़ियों को बनाने के लिए वो उन सब उस जमाने में भी बहुत अच्छी टेक्निक का यूज किया करते थे, और उनके पास दरवाजे और खिड़कियां बनाने की भी टेक्निक हुआ करती थी, ठीक। So the first characteristic that comes under this category is that first characteristic is the building was having doors windows and stairs on all directions. All directions में सीढ़ियाँ, खिड़की और दरवाजे थे, ठीक है, ये हो गई पहली characteristic, ठीक है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक जो थी बिल्डिंग की या बिल्डिंग फॉर्मेशन की, कि दे हैड सेपरेट प्लेसेस फॉर बाथरूम यूजेस, cooking and playground for play, खेलने के लिए खेत का मैदान, खाना बनाने के लिए अलग एरिया, बाथरूम यूजेस के लिए अलग एरिया बनाया हुआ, ठीक है। So this is the third part of history classics and the other is Mohenjo-daro. And we are looking over the characteristics of building formation. First was the building was having doors, windows, and
stairs on all directions, and they had separate places for bathroom uses, okay, and there was also a playground for play. मतलब कि उस समय उस जमाने की बिल्डिंग फॉर्मेशन में भी हर बिल्डिंग में बाथरूम यूजर्स के लिए अलग जगह दिया गया था, अलग स्पेस था, खाना बनाने के लिए किचन की फॉर्मेशन भी थी, ठीक है, और प्लेग्राउंड की भी फॉर्मेशन थी फॉर द प्लेस वेयर किड्स वर प्लेइंग, बच्चों को खेलने के लिए प्लेग्राउंड भी बनाया गया, ठीक है। सो ये था दो बेसिक फीचर जो बिल्डिंग फॉर्मेशन थी या बिल्डिंग में था, ठीक है। सबसे पहला क्या कि बिल्डिंग में डोर्स, विंडोज और स्टेयर्स हुआ करते थे। दूसरी चीज ये कि बिल्डिंग में हर चीज के लिए स्पेसिफाइड स्पेस अलॉटेड, ठीक है। अगर आपको शावर लेना है उसके लिए एक अलग स्पेस है, इफ यू हैव टू कुक समथिंग देन यू हैव किचन, एंड इफ यू हैव टू प्ले देयर वाज अ प्लेग्राउंड और अ स्पेस वेयर किड्स वर यूज्ड टू प्ले, ओके। Water was
supplied wherever needed. ठीक है, जहां भी पानी की जरूरत पड़ती थी वहां पे पानी को सप्लाई करने के लिए भी एक टैंकी लगाई गई थी, यानी कि बैम्बू का यूज करके बनाया गया. ठीक है, सो इसके बाद हम चलते हैं ड्रेन पे भी ड्रेन सी फॉर्मेशन कैसे. ठीक है, सो जो ड्रेन की फॉर्मेशन, ठीक है, बेसिकली अगर हम बात करते हैं वर्टिकल सर्कुलेशन की घरों की, ठीक है, तो हर उस जगह पे जहां पानी का यूज ज्यादा था, ठीक है, हर उस एरिया में अपार्टमेंट घर के वेयर वाटर वाज यूज्ड एट अ वेरी हाई अमाउंट, दे हैड अ ड्रेन कनेक्टेड टू दैट एरिया. मतलब कि हर उस घर से, हर उस एरिया से ड्रेन कनेक्टेड थी. ठीक है, और जो ड्रेन की फॉर्मेशन थी वो एक जेंटल स्लोपिंग डायरेक्शन में थी. मतलब कि अगर ड्रेन की हाइट यहां पे ये है तो अगली हाइट उसकी थोड़ी सी नीचे कर दो, फिर ऐसे ऐसे करते हुए सीढ़ियों के यानी कि स्टेयर्स की फॉर्मेशन में नालियां बनी हुई थी ताकि वाटर का फ्लो कभी भी रुक ना पाए. ठीक है, अगर कहीं पानी का फ्लो रुक भी जाता था, ठीक है, तो जब फिर से पानी का फ्लो उसमें पड़ता था तो वो आगे बढ़ जाता था. ठीक, ऐसे नीचे जेंटल स्लोप्स बना करके पानी को आगे बढ़ाने का क्या ऐसा टेक्निक क्यों यूज किया गया? अगर नाली ऐसे बनी है, ऐसे, ठीक है, ये जो हल्का सा डेप्थ दिया गया है इसी को कहते हैं जेंटल स्लोप. जेंटल स्लोप का मतलब हल्के हल्की सी ढलान दी गई. ठीक है, ढलान से क्या होता था, पानी अगर कहीं भी यूज हुआ तो तुरंत सीधे जाकर के वो घर से बाहर आ जाता था ड्रेन के ऊपर. ठीक है, अभी हम बता, अभी मैं ये भी बताऊंगा कि ड्रेन की जो फॉर्मेशन थी, ड्रेन चेन कैसे बना था, ये अभी बताया जाएगा. ठीक है, बट जस्ट नाउ आई एम जस्ट टेलिंग कि ड्रेन की फॉर्मेशन जो थी इट वॉज मेड बाय गिवन जेंटल स्लोप्स. मतलब हल्की हल्की सी गहराई देकर के या ढलान देकर के नालियों को बनाया गया. ठीक है, और अगर हम हाउसेस की बात करें, ठीक है, और ड्रेन चेन ड्यूरिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन, सो देयर वाज हाउसेस दैट वाज मेड अंडर लाइंस, मतलब लाइन वाइज घर बने हुए, लर्निंग. ठीक है, सो बेसिकली होता क्या था कि इन सबके बीच में से एक मेजर ड्रेन जाती थी. ठीक है, मेजर ड्रेन का काम ये था कि दूसरे एरियाज का भाई पानी लेकर के आती थी, उसके बाद इधर करके डंप कर दी. ठीक है, इधर था डंप. ठीक है, ये जो घर थे इनसे छोटी छोटी ड्रेन इससे कनेक्टेड थे. ठीक है, इन घरों के अंदर भी ड्रेन का एक चेन बना हुआ था. ठीक है, हर एरिया में जहां पानी का खपत होता था वहां वहां ड्रेन बनाई गई. ठीक है, और इन हर घरों में से एक ड्रेन आकर के इस मेजर ड्रेन में मिली हुई है. ठीक है, ऐसा, और इन घरों में चारों तरफ भी एक ड्रेन बनाई गई थी ताकि अगर बारिश होती है या फिर पानी का यूसेज बाहर अगर नहीं हो जाता है या घर से बाहर कहीं पानी गिरता है तो डायरेक्ट इस ड्रेन के लिए. ठीक है, घरों के चारों ओर भी ड्रेन बनाई गई थी ताकि घरों के बाहर का जो पानी का यूज है या फिर सड़क पे अगर पानी लग जाता है, ठीक है, इसके ऊपर सड़क बना दी गई. ठीक है, सड़क बनाने में क्या होता था कि जो ड्रेन थी वो थकी जाती है. अच्छा, एक और क्वालिटी थी कि अर्बन सिविलाइजेशन के टाइम पे जो ड्रेन थी, ठीक है, हमेशा कवर्ड ड्रेन का यूज होता. कवर्ड ड्रेन का मतलब ये है कि नालियां बनाने के बाद उसको ढक दिया जाता था. ढकने से क्या होता था कि जो वेस्ट मटेरियल बह रहा है नाली में या फिर ड्रेन में, ठीक है, उनकी वजह से कोई भी पॉल्यूशन या फिर स्मेल नहीं करता था अपने एनवायरमेंट में. ठीक है, और अगर कोई चीज कहीं पानी का फ्लो रुक गया या फिर अगर कोई चीज फंस गई है उन ड्रेन में तो हर जगह इंस्पेक्शन रूल्स बनाए हैं. ठीक है, इंस्पेक्शन रूल्स का काम ये था कि इफ इंस्पेक्शन होल्स का काम यह था कि उनके थ्रू देख सकते थे कि पानी का फ्लो कहाँ रुका हुआ है, ड्रेन में से पानी फ्लो क्यों नहीं हो रहा है. ठीक है,
So inspection rules were used to inspect the inspect the flow of rain, the flow of water in rain. Okay. So as a rain की formation की गई, सड़क पे पानी ना लगे इस वजह से ये किनारे किनारे ड्रेन बनाई गई थी और ऐसे रास्ते बनाए गए थे ताकि इस ड्रेन में पानी निकले। सबसे पहले पानी यहाँ यूज हुआ, यहाँ से इस घर में से यहाँ बाहर निकला, बाहर आकर इस मेजर ड्रेन के थ्रू डंपिंग एरिया में चला गया। सेम प्रोसेस हर घर से फॉलो होता, ठीक है। सो ऐसे ही ड्रेन की फॉर्मेशन की गई थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हो, इजिप्शियन सिविलाइजेशन हो, इन सब में सबसे ज्यादा एडवांस, सबसे ज्यादा बड़ी और सबसे ज्यादा एरिया कवर करने वाली सिविलाइजेशन थी हड़प्पा सिविलाइजेशन और एंशियंट इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते थे, ठीक है। ये थी ड्रेन की फॉर्मेशन, भी ड्रेन कैसे बनाई गई और ड्रेन का वर्किंग होता कैसे, ठीक। ड्रेन हमेशा कवर्ड होती थी, कवर्ड का मतलब ये है कि नालियां ढकी हुई ताकि पोल्यूशन ना फैले, स्मेल ना फैले एनवायरनमेंट में, ठीक है। अगर कोई वेस्ट मटेरियल फंस गया है, ठीक है, उसको सही करने के लिए आप ड्रेन की सफाई करने के लिए इंस्पेक्शन होल्स बनाए गए थे जस्ट टू अवॉइड द स्टॉपेज ऑफ वाटर और वाटर लॉगिंग, ठीक है। इसके बाद जो स्ट्रीट्स थे, स्ट्रीट्स की क्या खासियत थी, स्ट्रीट्स का मतलब है कि इन घरों का सराउंडिंग, ठीक है, इन घरों के सराउंडिंग में भी हर जगह ड्रेन की फॉर्मेशन ऐसी थी कि कहीं पियर पानी का वेस्टेज हुआ है, कहीं पानी का एक्स्ट्रा ओवर यूज हुआ है। सो दैट वाज कलेक्टेड कलेक्टेड इनटू दिस मेजर ड्रेन एंड इट वाज कैरीड अवे बाय द ड्रेन इनटू द डंपिंग एरिया और द डंप। सो दिस वाज अबाउट हाउसेस ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स ड्यूरिंग हड़प्पा सिविलाइजेशन। अंडरस्टैंड, समझ में आया कि ऐसे घरों से ये पानी निकल कर बीच में जाता था, उसके बाद ऐसे ऐसे फॉर्मेशन हुई। सो ये था थर्ड पार्ट ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन और इन द ऑबवियस सिटीज। सो इफ वी टॉक अबाउट आवर बुक, सो इन दिस बुक इट हैज बीन ऑल थ्री हाउसेस ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स वर प्रोबेबली प्लान एंड बिल्ट एट द सेम टाइम। मतलब ये कि जब घर बनाए जाते थे, ठीक है, When the formation of houses took place, उसी टाइम पे ड्रेनेज सिस्टम, स्ट्रीट्स और ये रोड्स वगैरह एक साथ बनाए जाते थे ताकि बाद में बनाए जाने पे उन हाउसेस में कोई दिक्कत ना, ठीक है। दिक्कत इन द सेंस ये हो गई थी, घर बन गया, 80वीं डेट में अगर हम घर बनवाने के बाद उसका ड्रेनेज सिस्टम बनवाते हैं तो हमें घर को तोड़ना पड़ता है या फिर कई सारे ऐसे चेंजेस करने पड़ते हैं ताकि ये ड्रेन की फॉर्मेशन हो सके या फिर कोई भी चीज अगर कराने घर में तो तोड़ना पड़ता है, ठीक। जस्ट टू अवॉइड दैट ब्रेकेज, जस्ट टू अवॉइड दैट लॉस, दे बिल्ड ऑल द थ्री थिंग्स एट सेम टाइम, एक ही समय पे अच्छी हाइट पे, अच्छा घर, अच्छी वेन और अच्छी स्पीड का फॉर्मेशन ये कर सकते। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू गेट सम नॉलेज फ्रॉम दिस वीडियो, द रेस्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विल बी कवर्ड इन एनी अदर वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू दिस वीडियो, please put your queries in the comment section below. I will answer all your queries in the next video. Thank you for watching.